हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नूरशीद क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जीरो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। व्हाट इज जीरो? जीरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ दो पॉट है, एक पॉट ये है और एक पॉट ये है। फर्स्ट पॉट में यहाँ क्या है, फाइव एग्स है आपका, फाइव एग्स है। और यहाँ जो है आपका कोई भी एग्स नहीं है, है कि नहीं। यहाँ कोई भी एग्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एग्स नहीं है तो हम कह सकते हैं जहाँ कुछ नहीं है, नथिंग, तो हम कह सकते हैं देयर इज ए जीरो नंबर, है कि नहीं। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जीरो एग्स हैं। जीरो एग्स मतलब कुछ नहीं, जीरो मीन्स नो ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ फाइव एग्स है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज ए जीरो एग्स, है कि नहीं, यहाँ जीरो एग्स है। अब इसको फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको ऐड करें, जैसे फाइव एग्स हैं और जीरो एग्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, फाइव प्लस जीरो तो फाइव, है कि नहीं। फाइव में जीरो ऐड किया तो कितना मिला, फाइव मिला। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर हम लोग क्या सीखे फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम लोग जीरो को किसी नंबर में या कोई नंबर को अगर जीरो में हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को इट्स सेल्फ नंबर मिलेगा, यानी उसी नंबर मिलेगा जिसमें जीरो को जोड़ेंगे हम लोग, या जिस नंबर को जीरो में जोड़ेंगे हम लोगों को वही मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स ये जो हुआ ना फाइव, इसको ऊपर वाला को हम लोग कहेंगे एडेंड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडेंड। क्लियर? और ये दोनों को हम लोग ऐड किए, जो ये मिला हम लोग का आंसर जो मिला, तो इसको हम लोग कहेंगे सम। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सम कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ दो पॉट है हम लोग का, ये भी पॉट है, ये भी, दोनों पॉट क्या एम्प्टी यानी खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए जीरो एग्स, यानी मतलब यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ भी जीरो एग्स है, यहाँ भी जीरो एग्स है। क्लियर? तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है, इसको अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, वही नंबर मिलेगा। वही नंबर मतलब क्या, जीरो ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो हम लोग को जीरो ही मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब ये जो है तो इसको हम लोग, ये फाइव प्लस जीरो है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव प्लस जीरो, फाइव प्लस जीरो फाइव, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, की फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्वेश्चन में पूछा है, स्कूल एग्जाम में अक्सर पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरिए। जैसे अगर बोले कि सिक्स, मेरा पास क्या है, सिक्स मैंगो है कि नहीं, सिक्स मैंगो। मेरा फ्रेंड ने हमको कोई भी मैंगो नहीं दिया, कोई मैंगो नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे जीरो मैंगो दिया। कितना मैंगो दिया, जीरो। अगर कुछ नहीं है तो हम उसको जीरो लिख सकते हैं, सिक्स प्लस जीरो तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स। अभी बोले कि कोई भी नंबर को अगर जीरो में जोड़ेंगे तो हम लोग को वही नंबर मिलेगा। क्लियर? उस पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा पास एक भी पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, मेरा पास कोई भी पेन नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्त ने मुझे नो पेन दिया, तो कितना पेन होगा जी, नो पेन होगा, क्योंकि मेरा मतलब मेरा पास कोई भी पेन नहीं था और मेरा फ्रेंड्स ने मुझे नो पेन दिया था, कितना पेन होगा, नो ही पेन होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जीरो यानी कुछ पेन नहीं है मेरा पास, तो इसका मतलब कि जीरो पेन्स है, मेरा फ्रेंड ने नो पेन्स दिया था, कितना होगा, जीरो प्लस नाइन, नाइन। उसी पर अगर हम किसी में अगर कोई जीरो को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा थ्री प्लस जीरो थ्री, उस पर सेवन प्लस जीरो तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, सेवन ही मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? मतलब अगर हम लोग सीखे क्या सीखे, इससे हम लोग लर्न क्या किए कि जीरो में कोई भी नंबर छोटा बड़ा कुछ भी जोड़ो आप लोग को वही नंबर मिलेंगे। अगला टॉपिक क्या है फ्रेंड, कि जैसे ये मैंगो का ट्री है कि नहीं फ्रेंड्स, और ये एक बॉय है, तो ये बॉय क्या कर रहा है, एक स्टिक से मैंगो को क्या कर रहा है, प्लकिंग कर रहा है यानी तोड़ रहा है। तो इन देर आर थ्री मैंगोज इन द मैंगो ट्री, तो थ्री मैंगो ट्री है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कर रहा है, ये एक एक मैंगो करके क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है यानी तोड़ रहा है, प्लकिंग कर रहा है। ऐसे ऐसे तीनों मैंगो को क्या कर लिया, वो तोड़ लिया, है कि नहीं। तीनों मैंगो क्या हो गया, तीनों मैंगो फॉल्स हो गया इन द ऑन द ग्राउंड। तो हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये अभी जो मैंगो का ट्री है तो इसमें कितना मैंगो है, कह सकते हैं, यस यू कैन से कि देयर इज ए जीरो मैंगोस इन द ट्री। हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ कितना है, जीरो मैंगो है, जीरो मैंगो, ठीक है नहीं, जीरो। इसका जीरो का हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, ये राउंड करके हम लोग इसको ये क्या कहते हैं, जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, जीरो या मैंगो है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ आप कुछ सीखते हैं क्या, कि मेरा पास फाइव चॉकलेट्स है, कितना है, फाइव चॉकलेट्स है। हम मैंने क्या किया, मैंने फाइव चॉकलेट में से अपने फ्रेंड्स को
कोई भी चॉकलेट नहीं दिया, कोई भी चॉकलेट नहीं दिया। तो हम कितना चॉकलेट दिए, इसका मतलब कि हम कोई चॉकलेट नहीं देते हो, इसका मतलब हम जीरो चॉकलेट उसको दिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 - 0, 5। क्लियर फ्रेंड्स। उस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके पास 10 मोबाइल है, कितना है 10, यू हैव अ 10 मोबाइल, है कि नहीं। यू विल गिव योर फ्रेंड्स नथिंग मोबाइल, यानी आपके फ्रेंड को आप कोई भी मोबाइल नहीं दिए। तो इसका मतलब कितना मोबाइल दिया आपके फ्रेंड को, जीरो। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं उसके बदले में हम लोग जीरो लिख सकते हैं, 10 - 0, 10। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या सीखे यहाँ, लर्न क्या कर सकते हैं कि इफ़ जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर देन वी गेट इट्सेल्फ। यदि अगर हम लोग कोई भी जीरो का अगर हम लोग कोई भी नंबर से घटाएं तो हम लोगों को वही नंबर मिलेगा फ्रेंड्स, समझे। जैसे अगर हम लोग घटाएं 8 - 0 तो क्या मिलेगा हम लोग को, 8 ही मिलेगा, है कि नहीं। 9 - 0 तो कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा, समझे। तो ये हम लोग क्या था दोस्तों, ये हम लोग का जीरो का प्रॉपर्टी था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।